यस गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग, जल्दी आ जाओ, बिल्कुल जल्दी आ जाओ सर, जल्दी आ गए हम, आप भी जल्दी से आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु, यस सभी अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बार क्लास जल्दी से शेयर करो। गुड इवनिंग, जय जोहार, खमागणी, यस खमागणी, बिल्कुल खमागणी, जय जोहार, जय मेवाड़, जय राजस्थान, बिल्कुल जी, ओके करें स्टार्ट क्लास। तो कल जो हमने राजस्थान की जलवायु पढ़ी थी, उसी जलवायु में जो छोटे हुए हमारे कुछ टॉपिक क्वेश्चन और रह गए तो उसको कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास रहती है जलवायु की, और जलवायु पर पूछे जाने प्रश्न बहुत ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो रीट आपका मेंस हो, रीट प्री हो, या सेकेंड ग्रेड शिक्षक हो, या स्कूल व्याख्याता हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है। तो सभी को लेकर हम जो प्रश्न लेकर आए हैं उन प्रश्नों की अपन बात करते हैं। यस चलिए जल्दी से क्लास शेयर करिए, ओके। और पहला प्रश्न पर आ जाइए। राजस्थान में सम वर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? सम वर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? आपको बताना है राजस्थान में सम वर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है, ये बताना है आपको। सम वर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं कम वर्षा रेखा कहलाती हैं, राइट। तो किस ओर कम होता जाता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, जल्दी से आंसर दीजिए। जो सम वर्षा रेखा उनका मान कम होता जाता है, बी पहला उत्तर आया बी, ओके जल्दी से सभी लोग एक बार उत्तर दीजिए, क्लास को शेयर जरूर से कीजिए जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से, बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। सम वर्षा रेखा का मतलब समझ गए, समान वर्षा वाले बिंदु को मिलाना। सपोज 10 सेंटीमीटर कहीं बारिश हो रही है, इधर भी 10 हो रही है, इधर भी 10 हो रही है, तो 10-10 को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे इसे 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा कहेंगे, ओके। चलिए सॉरी की बात नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल रहती, क्लास से क्लास शिफ्ट होती तो थोड़ा टाइम हो जाता है, इसलिए हम थोड़े लेट हो गए हैं, लेट होते नहीं है, देरी करते नहीं, हो जाते थे। हाँ चलिए अपना उत्तर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बढ़े आगे। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पहला देखो यहाँ पर राजस्थान में औसत वर्षा रेखा चलती है 10 सेंटीमीटर, कितना रहती है 10 सेंटीमीटर। मरुस्थल के मध्य की औसत वर्षा रहती है 25 सेंटीमीटर। मरुस्थल की पूर्वी सीमा के सारे सारे वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर। अरावली की पश्चिमी ढाल पर औसत वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर। अरावली के पूर्वी ढाल पर औसत वर्षा होती है 60 सेंटीमीटर, और दक्षिण भाग पर औसत वर्षा रहती है 80 से। तो आप अपना उत्तर दीजिए, मैंने वर्षा रेखा बोल बना दिया है और उत्तर आपका सही है, किधर से किधर, तो आपका उत्तर हो गया दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, सही उत्तर है बी जो आप लोगों का आंसर है, गुड। थैंक यू, गुड, क्या बात है, जैसलमेर से सुंद से जुड़े हुए कैलाश, ओके गुड गुड। देखो राजस्थान के पश्चिमी किनारे से भी हमारे साथ हैं, राजस्थान के पूर्वी किनारे से भी हमारे साथ हैं, राजस्थान के दक्षिण से भी हैं, और राजस्थान के उत्तर से भी है। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है पढ़िए अच्छे से, पढ़ाएं क्लास को आगे। चलिए तो राजस्थान के हर एक कोने में हमारा नमस्कार, मेवाड़ की इस धरती से आप सभी को नमस्कार, सभी को जोहार, खमागणी, गुड इवनिंग, गुड, सभी का उत्तर सही। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, अभी बनाया जस्ट, क्या बात, पश्चिमी रेतीले मैदान की सीमा निर्धारित होती है 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, कौन सी वर्षा रेखा है
पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती हैं, ये आपको बताना है। राइट ना, जल्दी से अरावली के पश्चिमी ढाल के सारे सारे वर्षा रेखा आती है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे जय श्री कृष्णा, बिल्कुल राधे राधे जय श्री कृष्णा। बड़े आगे उत्तर आ रहा है 50 सेंटीमीटर भी, यस। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। तीन प्रश्न अच्छे से ध्यान रखोगे, कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल और गैर मरुस्थल का निर्धारण करने वाली औसत वर्षा रेखा कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान को गैर मरुस्थल में विभाजित करने वाली औसत वर्षा रेखा कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, यस। अच्छे से मरुस्थल का निर्धारण करने वाली औसत वर्षा रेखा कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल हाँ, शुष्क और अर्ध शुष्क, बिल्कुल शुष्कतम मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल का निर्धारण करने वाली औसत वर्षा रेखा कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये मरुस्थल आपके पास शुष्कतम और दूसरा मरुस्थल हमारे पास अर्ध शुष्क, राइट ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सही उत्तर है आप सभी लोगों का 50 सेंटीमीटर। पढ़ेंगे, यस गुड, चल क्या बात है। बाका सर से भी प्रणाम, यानी कि हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, हिंदमल कोण से लगाकर बाका सर बाड़मेर तक जो चलती है, वहां से भी ईश्वर हमारे साथ जुड़े हुए, क्या बात है, गुड। तो कक्षा पूरी राजस्थान में फैलनी चाहिए, जल्दी से इस क्लास को फैलाइए और बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष में की गई है, ये प्रश्न बताइए जल्दी। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, जलवायु परिवर्तन के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी आयोजित हो रहा है। बताएंगे कोई आप में से जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हो रहा है? आज कल इसके समापन की बात हुई थी और उस सम्मेलन का क्रमांक है 28। इसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए शब्द किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहला सम्मेलन हुआ था फर्स्ट टाइम जो हुआ था सम्मेलन 1995 में, पहला जलवायु पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और ये हुआ था बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी। तब से लगाकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, क्या बात है। करौली से भी जुड़े हो, देखो पूर्वी किनारा भी है पश्चिम भी है हमारे पास। चलिए, तब से लगा केवल एक मात्र 2021 में जब कोविड आया था तब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नहीं हुआ था, बाकी कंटिन्यू हुआ है, इस वर्ष नहीं हुआ। 28 में कहाँ हो रहा है, कोई कमेंट करेंगे क्या? कहाँ हुआ था? दुबई में। कहाँ हुआ था? दुबई, है ना, गुड। तो इसका उत्तर दीजिए, अभी चल रहा है और हमेशा हर वर्ष नवंबर टू दिसंबर आयोजित होता है, ये ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट है। 2023-28 क्रम का, 2024 का कहाँ होगा वो भी लिख देता हूँ मैं, वो होगा 29 क्रम का और वो होगा बाकू। बाकू राजधानी अजरबैजान की, किसकी राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान एक देश है, कैस्पियन सागर तट पर वो शहर स्थित है। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा बताया मैंने, आप बताइए राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई थी, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन स्थापना कब की गई? अब तो मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं राजस्थान में, कोई नहीं। चलिए, सही उत्तर हमारे पास 2019। बढ़े आगे, चलिए आते हैं नेक्स्ट। औसत वार्षिक वर्षा के वितरण में निम्न से कौन सा अवरोही क्रम सुव्यवस्थित है? सिस्टमेटिक वर्षा अवरोही क्रम में है, ये ध्यान रखना है, जल्दी से उत्तर देना है। शहरों के नाम में बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं शहर मेंशन कर देता हूं, आप आसानी से उत्तर दीजिएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है। एक है भरतपुर, ये सब भरतपुर, गंगानगर, फिर है जयपुर,
जयपुर देन जोधपुर, एक ये ऑप्शन है। फिर हमारे पास ऑप्शन है बीकानेर, सॉरी उदयपुर, बीकानेर, पाली। अच्छा प्रश्न है, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर आ गए हैं। आप अपना उत्तर दीजिए जल्दी से। ओहो, नेट में भी आया था। चलो बस, चलो आएंगे प्रश्न तो आगे आएंगे आएंगे। चलिए गुड, तो बताइए कौन सा उत्तर होगा, सबसे कम वर्षा होनी चाहिए इनमें से, उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर। सबसे कम की ओर चलना है। जय श्री कृष्णा, बिल्कुल जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। आप अपना उत्तर भी देते जाइए। चार, एक, फोर, ओके ओके फोर, जल्दी से थोड़ा और उत्तर फ्रिक्वेंस बढ़ाओ। फोर, उदयपुर नंबर वन रख रहे हैं, अब सबसे ज्यादा बारिश इनमें। सेकंड रख रहे हैं पाली, थर्ड रख रहे हैं बीकानेर, और फोर्थ रख रहे हैं आप जैसलमेर। ओके, क्या ये युग्म सही है या ये सही है, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर? चलिए गुड, उत्तर सही है फोर्थ, उदयपुर, और लास्ट में जैसलमेर। राधे राधे, बिल्कुल। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, जो मानसून है उस मानसून में अधिकतम वर्षा के दिन कौन से जिलों में रहती है? आपको उत्तर देना है, युग्म है यहाँ पर भी। ओके, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तक अपन को थोड़ा सा समझने के लिए मैप ले लेते हैं, आसानी रहेगी। भाई 15 जून को राजस्थान में मानसून आता है, बिल्कुल आता है सब, और 15 सितंबर तक अधिकतम राजस्थान में मानसून लौट जाता है, बिल्कुल। तो राजस्थान में जो मानसून का आगमन होता है, वो हमारे पास मानसून तिथि का आगमन की लाइन रहती है, ये रहती है 15 जून, और लास्ट में मानसून जहाँ पहुंचता है, ठीक है, लेकिन मानसून प्रत्यावर्तन भी यहीं से होता है, यहाँ से मानसून का लौटना होता है 15 सितंबर से, लौटता है ना, आएगा मानसून कब, 30 या 31 जुलाई को, और यहां से मानसून का लौटना होता है लगभग 15 अक्टूबर तक। उत्तर आ रहा है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। कौन से जिलों में वर्षा की अधिक संख्या पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बारा, जयपुर, दौसा, भरतपुर। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ओके, झालावाड़, कोटा, बारा। चलिए देखते हैं यहाँ कब आया है, 21 जुलाई को, कब लौट रहे हैं, 15 सितंबर, मात्र कितने दिन रुकता है, 45 दिन। मध्य राजस्थान में या अरावली के पश्चिम में मानसून पहुंचता है कब, 1 जुलाई को, और लगभग 30 सितंबर तक मानसून लौट जाता है। तो यहाँ लगभग लगभग कितने माह रहता है, अगस्त और सितंबर, 2 माह तक यहाँ रहता है। इस वाले भाग पर मानसून कब पहुंचता है, 15 जून को, और कब लौटता है, 15 अक्टूबर को लौटता है। 15 जून को आ रहा है और 15 अक्टूबर को लौट रहा है, दिन गिनो आप, कितने दिन होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 120 दिन की अवधि रहती है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में, जबकि 45 दिन की अवधि आपके पास पश्चिमी भाग में। उत्तर दीजिए जल्दी से। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ओके, तो कुछ लोग झालावाड़, बारा, कोटा। चलिए ध्यान रखना है, कोटा सम करोगा राइट ना, फिर क्या होगा, यहां ये दो सही है, राजसमंद में कम हो जाए राइट। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु होती है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून। अभी बात की थी, जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका मैप बनाने की जरूरत। राजस्थान से मानसून के लौटने की अवधि होती है, उत्तर थोड़ा जल्दी से दीजिए।
अभी मैप बनाया था मैंने, और कौन से समय में मानसून लौट जाता है, इसको क्या के संदर्भ में समझा, पूरे भारत के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, जुलाई में 21 जून के बाद सूर्य की अधिकतम सीधी कहाँ होने लगती है, भूमध्य रेखा की ओर, कब पहुंचता है यहाँ पर, 23 सितंबर को, जब सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा तो जो ITCZ भारत में आती है वो ITCZ पुनः कहाँ आ जाएगी, भूमध्य रेखा पर। भारत से जो वायु निम्न वायु दाब हो गया था वो पुनः किस हो जाएगा, वायु दाब की रूप। भारत से पुनः कौन सी पवन चलना शुरू कर देती है, पढ़ा होगा आपने, नेट, नॉर्थ ईस्टर ट्रेड, यही नेट पवने जो होती हैं क्या कहलाती हैं, मानसून प्रत्यावर्तन कहलाती है, मानसून का लौटना कहलाती है। राकेश दो उत्तर दे रहे हैं आप, एक बार फर्स्ट भी बता रहे हैं और एक बार तीन भी बता रहे हैं, गलत है ये, एक ही उत्तर दीजिए, क्योंकि दो उत्तर भी अपने आप में माइनस हो जाएगा। चलिए गुड, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, जुड़िए जल्दी से क्लास में और आगे उत्तर दीजिए। ये क्या कहलाता है, मानसून प्रत्यावर्तन कहलाता है, यहाँ से पाकिस्तान, ईरान और इधर चलेंगे फारस की खाड़ी और अरब आ जाता है, इन्हीं पवनों के सहारे तो अरब के लोग वापस लौटते थे, इसे मानसून का लौटना कहते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है 15 सितंबर से, लेकिन यहाँ बेओ बंगाल से जब ये मानसून प्रत्यावर्तन होता है ना, तो ये दक्षिण भारत से मानसून लौटता है लगभग दिसंबर जनवरी, कब लौटता है, दिसंबर जनवरी तक। अभी आप बात करेंगे दक्षिण भारत में बारिश होती है लौटते मानसून से, खास करके चेन्नई में, तमिलनाडु में, क्या बात है, गुड गुड, टीचर बन गए, बधाई, बहुत सारी बधाई, मिठाई बाकी है, बधाई हो आपको, बनोगे आप टीचर भी बनोगे ना, आप अगली तैयारी RS के लिए भी करो, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी करो, है ना, जीवन में लगातार अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी करना है, एग्जाम में आएगा वही जो पढ़ाए हमने, है तो अच्छे से पढ़िए। राजस्थान के संदर्भ में कब लौटता है, ठीक है, सितंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन राजस्थान में मूल मानसून प्रत्यावर्तन का जो समय होता है वो तो अक्टूबर टू दिसंबर होता है ना, तो सही उत्तर है लगभग सभी का, जनवरी से फरवरी भारत के संदर्भ में, अक्टूबर से दिसंबर मानसून प्रत्यावर्तन रहता है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ इस समय अक्टूबर दिसंबर तक राजस्थान से मानसून प्रत्यावर्तन हो जाता है। भारत के संदर्भ में वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, हाँ सॉरी सेकंड, जनवरी से फरवरी भारत के संदर्भ में ये ऑप्शन ठीक, राजस्थान में अक्टूबर से, यस। चलिए बढ़े आगे, कौन सा कथन सही है, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, मानसून की अरब शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है, राजस्थान का 50% भाग शुष्क और एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, आपको इनमें सेलेक्ट करना है कौन सा एक या दो सही या उससे अधिक सही है। आंसर की स्पीड अच्छे से रखिएगा ताकि अधिक से अधिक प्रश्न कर पाए हम लोग, राइट ना, ओके तो बढ़े आगे, वर्षा दक्षिण और दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्या वर्षा की मात्रा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, इन दोनों एरो में वर्षा कम हो रही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ओके। दूसरा, मानसून की अरब शाखा अरब सागरीय शाखा राजस्थान वर्षा का प्रमुख स्रोत है, राजस्थान में जो रेनफॉल है अधिकतम वर्षा अरब सागरीय मानसून अपने साथ आर्द्रता लेकर आती है, क्या ये बात सही है, राजस्थान की वर्षा का मुख्य सोर्स पूछ रहा उसे, वर्षा का वितरण नहीं पूछा है, अरब सागरीय मानसूनी वर्षा कराती है, पश्चिमी राजस्थान के वर्षा शीतकाल में मध्य सागरी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो आकर शीत में ही पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करते हैं, क्या हम मावठ कहते हैं,
क्या ये स्टेटमेंट सही है? राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का है, यानी कि राजस्थान का जो हमारे पास वर्षा का वितरण है लगभग 50% भाग अर्ध शुष्क में आता है और 50% भाग गैर अर्ध शुष्क में आता है। चलिए तीनों समझा दिए मैंने, बताओ एक और दो यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, एक दो और चार यानी पहला सही है दूसरा सही है और चौथा सही है, एक दो और तीन पहले तीन सही है चौथा गलत है, तीन और चार लास्ट के दोनों सही है दो गलत है, एक दो और चार बी एक दो और चार। देखते हैं जल्दी से, एक दो और चार जल्दी से उत्तर दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, अच्छे से मैक्सिमम लोगों के उत्तर आने चाहिए, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। गुड, तो आपके पास स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट इंपोर्टेंट, मैक्सिमम आर्द्रता अरब सागरी मानसून ही लेकर आता है राजस्थान में, वो अलग बात है कि उसमें बंगाल की खाड़ी का मानसून विलय होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पर वर्षा करता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकालीन वर्षा मावठ वर्षा नहीं करती, ओके। और ये भी सही है, आपका उत्तर हो गया फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। पढ़े आगे नंबर एट, किस कारण से राजस्थान के दक्षिण भाग में वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है? क्या ऐसा कारण है कि राजस्थान के दक्षिण भाग में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से लगाकर अगर हम झालावाड़ तक चलते हैं अच्छी खासी बारिश, उसका रीजन पूछा है आपसे, वो रीजन बता दीजिए क्या रीजन। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा में अधिक नमी होना, कि ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है ये इस प्रकार से जब दक्षिण से प्रवेश करता है यहाँ अधिक आर्द्रता होती है इसलिए वर्षा अधिक होती है, उच्च आर्द्रता का होना, अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति का होना, यानी अरावली जो है ऊंचाई कम, यानी कि ऊंचाई कम होना अरावली वाले इस भाग पर ऊंचाई का कम होना, अगर ऐसा बनाओगे तो ये तो अरावली की ऊंचाई तो इधर ज्यादा है, ठीक है। अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा के समानांतर होना, ठीक ही बात है, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, आप तो अच्छे से क्लास देखिए और अपने क्लास शेयर जरूर से की। अधिक ऊंचाई व सघन वनस्पति का आवरण, अरावली के इस भाग पर अधिक ऊंचाई है और आर्द्रता को कम कर ठंडा करने के लिए यानी कि जो उष्ण आर्द्र पवन है इसको अवरोध के रूप में इसमें वर्षा कराने के लिए इस क्षेत्र में अधिक वन आवरण का होना, क्या ये कथन या उच्च आर्द्रता का होना सही? आप बताइए उत्तर। ए, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न याद करो, हमारे यहाँ अधिकतम आर्द्रता अरब सागरी शाखा से आती है, अरब सागरी शाखा अधिकतम आर्द्रता लेकर आती है, यह अलग बात है कि वो बंगाल की खाड़ी के साथ विलय होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा करती है, राइट ना, अच्छे से। अधिक ऊंचाई, जितना ज्यादा अवरोध होगा जितनी ज्यादा वनस्पति होगी वर्षा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, राइट। तो जैसे जैसे इस वाले भाग पर इसी यहाँ पर 80 से 110 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और जैसे अरावली के पश्चिम में जाओगे अवरोध में कमी, अवरोध में कमी का मतलब वन क्षेत्र कम होना, पर्वतीय क्षेत्र का कम होना, वर्षा और अधिक अवरोध में कमी, और अधिक अवरोध में कमी, क्या उत्तर होगा? अधिक ऊंचाई व सघन वनस्पति। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे। चलिए बड़े आगे, यस बताइए क्या उत्तर होना चाहिए आपका।
शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र और अति आद्र। एक जिला आपको दे रखा है जैसल में। ओके, एक है देन अलवर और एक और डिस्ट्रिक्ट अलावा। आपसे पूछा गया है, सुमिलित कीजिए जल्दी से, 1111 थोड़ा सा अच्छे से, और वन ये सभी की अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, इसमें क्या बात हो गई, सब चेक करो एक बार, सभी के उत्तर अलग। कौन से करेक्ट? सोनल कह रहे हैं वन करेक्ट, और चार वर्ष इंश्योर्ड हो रहे हैं कि वन करेक्ट, कह रहे हैं कि टू करेक्ट। ओके, चलो देखते हैं। शुष्क जिला, देखो शुष्क यानी सबसे कम बारिश, आद्र या अति आद्र सर्वाधिक, दो तो चीजें राजस्थान का। यस सेकंड ग्रेड, यस वही प्रश्न की आरपीसी आपसे पूछती क्या है, उन प्रश्नों पर जोर है हमारा भी। फिर इसके बाद जो प्रश्न आ गए वो अब और क्या आ सकते हैं सीरीज, और उसके साथ क्लास भी रहेगी आपकी, जैसे जुड़े रहिए आप। चलिए तो शुष्क जिला क्या राइट करेंगे, जैसल में। अति आद्र क्या राइट करेंगे, झालावा। उप आद्र क्या राइट करेंगे, अलवर। और अर्धशुष्क क्या राइट करेंगे, तो अर्धशुष्क राइट कर दीजिए, बचा क्या है आप, तो क्या होगा, 3, 4, 1 और 2। गुड, 3, 4, 1, 2 बढ़े आगे सभी। सुमिलित कीजिए, मिट्टी के प्रकार और जलवायु, अच्छा प्रश्न है। चलिए एक बार चेक करते हैं, माइक से आवाज सही नहीं आ रही, एक बार चेक करवाते हैं, 2 मिनट माइक सही कर रहे हैं, इतने में प्रश्न आप देखिए और उत्तर दीजिए। चलिए माइक सही हो गया है, आवाज सही आ रही है, कमेंट कर दीजिए एक बार, क्या वापस आवाज सही हो गई है आपकी, आप तक बिना अवरोध के आवाज पहुंच रही है क्या, और उत्तर भी दीजिए। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है और इस वर्गीकरण के साथ जोड़ा है राजस्थान की जलवायु को। एरिडोसोल्स 1, इनसेप्टिसोल्स 2, अल्पिसोल्स 3 और वर्टिसोल्स 4। सुमेलित करना है आपको, सही सुमेलित कौन सा उत्तर आ रहा है, यस क्या ये उत्तर आप क्वेश्चन 10 का दे रहे हैं, सी, थैंक यू। चलिए तो आ जाइए अब, ठीक है, थैंक यू है, चलिए गुड, उत्तर दीजिए जल्दी से। एक उत्तर आया कह रहे हैं, पहले में आएगा, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकेंड में सेकेंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, करेक्ट। क्या राजस्थान का ये वाला भाग अति आद्र, आद्र हाँ आद्र, उष्ण आद्र लिख दें, यानी अधिक तापमान अधिक वर्षा। क्या राजस्थान का ये वाला भाग उपाद्र प्रकार का है, आद्र का निकट। क्या राजस्थान का यह वाला भाग कम है, सकते हैं कम लिख सकते, शुष्क का निकटतम अर्ध शुष्क। राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है, काली। अब आप यहां काली ना कहकर आप लिख दें वर्टिसोल, वर्टी हमेशा ध्यान रखो, वर्टिसोल्स मिट्टी को कहा जाता है, वर्टिसोल, ठीक। तो ये वर्टिसोल्स जो है ये राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी। एरिड, एरिड शब्द को ध्यान रखो, शुष्क, एरिडोसोल्स, एरिडो,
राइट। तो एरोसोल्स यानी शुष्कतम, अर्धशुष्क भी होगी, बिल्कुल सही बात है। इन सेप्टिसोल्स की बात करेंगे, अल्पिसोल उपाद्र भाग में मिलती है, अल्पिसोल कौन सी सोल मिलती है, अल्पिसोल अरावली के पश्चिमी ढाल पर मिलती है इन सेप्टिसोल्स। इन सेप्टिसोल्स का कैरेक्टर अर्धशुष्क भी हो जाता है और इन सेप्टिसोल्स का कैरेक्टर अरावली के पश्चिमी ढाल भी हो जाते हैं, जहां से मिट्टी। एक और मिट्टी होती है एरिड और इन सेप्टी के एंटीसोल, कौन सी मिट्टी, एंटीसोल्स। ये पांच मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थान में मिलता है। यहां पर देखिए एरिडो यस, इन सेप्टी यस, अल्पी यस, बर्टी यस, और आपका उत्तर है एक दो तीन चार, तो उत्तर नंबर तीन, क्वेश्चन गुड, वन टू ओके, क्या बात है। एक बार चेक करो जो उत्तर दो दे रहे हैं, उत्तर दो, दो में क्या है एक यस सही है, दूसरे का दे रहे तीन आद्र, आद्र पूर्वी मैदान की बात कर रहे हैं, अल्फिसो अरावली पर मिलेगी इन सेप्टिसोल। अरावली का एक भाग तो हो गया आद्र, दूसरा भाग हो गया अर्धशुष्क, और उस पर मिलती है कौन सी मिट्टी हमारे पास, इन सब अरावली के ढाल। बढ़े आगे, चलिए अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है ये तो बता दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, मैप की जरूरत नहीं है शायद, उत्तर दीजिए जल्दी से। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, जल्दी से सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर जल्दी से। इलेवन और भी जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से सभी का उत्तर आ जाना चाहिए जितने लाइव हैं, और एक एक तो लाइव बढ़ा ही सकते हैं आप, अपने खास दोस्त को भेजिए लाइव आ जाओ। अरे तो लोग जयपुर दे रहे हैं, राम एक बार अपना आंसर देखिए, अर्धशुष्क यस गुड, अब सही किया, अर्धशुष्क जोधपुर है ना, जबकि जयपुर जो है वो उपाद्र है, कौन सा है उपाद्र जिला, प्रतापगढ़ जिला वो क्या है आद्र जिला, आद्र राजस्थान में अति आद्र एकमात्र माउंट आबू, अति आद्र पर्वतीय जलवायु कहाँ मिलती है माउंट आबू में मिलती है, इसे ध्यान रखना। राजस्थान के किन जिलों में उप आद्र जलवायु पाई जाती, आद्र का निकट उप आद्र जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़। उत्तर और अपना उत्तर मेरा चित्र बनने के पहले पहले आ जाना चाहिए, जब मैं कमेंट्स बुक में से देखूं तो सभी के उत्तर होने चाहिए। हाँ ये उत्तर हो गया सर फाइनल, ये वाला भाग मेरे लिए है आद्र, देन उपाद्र, अर्धशुष्क और शुष्क, तो बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला जिला मेरे पास हो गया कल में, इधर बेस्ट रिप्रेजेंट का हो गया नागौर, एक एक ले रहा हूँ मैं, इधर बेस्ट अजमेर लगाकर जयपुर, चलो इधर बेस्ट बांसवाड़ा से लगाकर कोटा तक आ जाइए, ये हो गए आद्र जिले, ये उपाद्र, ये अर्धशुष्क और ये जिला हो गया मेरे पास हम। अब आपको उत्तर देना है यस, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, क्या बात है, और कोई उपाद्र, जयपुर, अजमेर, ओके अजमेर आ गया है, जयपुर, अलवर, टोंक, जयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आद्र जिले हैं, बिल्कुल झालावाड़, बारा आद्र जिले, ये जिले हो गए हमारे पास अर्धशुष्क, देख लो आप।
राइट ना। सही उत्तर क्या है? जयपुर, अलवर, उसके बाद भरतपुर और टोंक। गुड, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न। उपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है आपसे। उपेन मोदी ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश बताए हैं, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित? ए डब्ल्यू दक्षिण राजस्थान, पी डब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान, पी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल, बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क मरुस्थल। 100% श्योर कह रहे हैं करेक्ट। राजस्थान का दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग ए विंटर इज एरिड डब्ल्यू। अरावली के पश्चिमी ढाल से लगाकर पूर्वी मैदान तक डब्ल्यू मरुस्थल बी और बी पार्ट है। शुष्कतम बी, शुष्क डी, शुष्कतम फार्म्ड अर्ध एस होट होट विंटर इज एरिड विंटर इज। बताओ आप। हाँ ऐसे क्वेश्चन पक्के आएंगे, क्वेश्चन वही आएंगे जो आपको सक्सेस करेंगे। हम अनाव अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, है ना, अच्छे तरीके से पढ़, बढ़िया वाला टाइम पास है। हाँ बढ़िया से अच्छे मन नहीं लगे, बहुत सारी पढ़े हैं क्या? उत्तरी राजस्थान, ए डब्ल्यू दक्षिण राजस्थान, यस सही बात है। पी डब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान सोचते हैं। शुष्क मरुस्थल, यस सही बात है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, यस सही बात है। उत्तरी राजस्थान में तो नहीं है साहब, आपका उत्तर क्या होगा? सी, यस गुड वेरी गुड। निम्न से कौन सा राजस्थान में बी एस एच प्रकार की जलवायु को पेन के वर्गीकरण को दर्शाता है? अभी मैप बनाया था मैंने, जल्दी से बताइए। आवाज नहीं आ रही है, वापस आवाज की मिस्टेक हुई है। एक सेकंड सही कराते हैं, आप एक बार क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हाँ चलिए देखिए अब आवाज आ गई क्या एक बार। कमेंट्स डी, एक बार सभी लोग चेक कर लो, एक बार आवाज प्रॉपर है ना। चलिए ठीक। अरावली का उत्तरी भाग, अरावली का दक्षिण भाग, अरावली का पूर्वी भाग, अरावली का पश्चिम भाग। ओके ओके चलिए ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य में, देख लो एक बार मैप में क्या पूछा है। बी एस एच डब्ल्यू ये बनाया था आपने, बी एस एच डब्ल्यू। ओके उत्तर पर आते हैं। अरावली का उत्तरी भाग, अरावली का दक्षिण भाग, अरावली का पूर्वी भाग, अरावली के पश्चिम भाग पर बताओ। ओके थैंक यू सब। चलिए ठीक है सब, आपकी आवाज सुन लेते हैं, ये माइक को कॉलर पर लगा लिया। ओके थैंक यू। चलिए बताओ आप जल्दी से उत्तर दो, इतना ही जल्दी से। ओके हाँ हाँ दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिम, एक उत्तर दीजिए। यस अरावली का पश्चिम भाग। अरे अरावली से पूछा ना आपसे, यहां से अरावली का उत्तरी भाग ये वाला भाग है क्या? अरावली का दक्षिण भाग ये वाला भाग है क्या? अरावली का पूर्वी भाग ये वाला भाग है क्या? अरावली का पश्चिम भाग, तो क्या राइट करेंगे? अरावली के भाग में तो हम सीधे
जाएंगे, दक्षिण में डब्ल्यू के साथ जाएंगे, पूर्व। सही आवाज, ओके थैंक यू, बड़े आगे। चलिए सही, सुमेलित नहीं है। ए डब्ल्यू करचुरु, बी एस एच डब्ल्यू बाड़मेर जालौर, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जैसलमेर पश्चिम बीकानेर, बी डब्ल्यू जी अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। जल्दी से उत्तर दीजिए, इसमें की जरूरत नहीं। नमस्ते सभी, नमस्ते। चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से। तीन ए, और लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? सुमेलित नहीं है, एक तरफ जलवायु है, दूसरा जिले हैं। ए डब्ल्यू के लिए सीकर चुरू सुमेलित नहीं है, बी एस एच डब्ल्यू के लिए बाड़मेर जालौर सुमेलित नहीं है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के लिए जैसलमेर पश्चिम बीकानेर सुमेलित नहीं है, बी डब्ल्यू जी के लिए अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सुमेलित नहीं है। अरे क्या बात है, देखो मान सिंह क्या बात है, देख रहे। इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती हमारे लिए। हमें तो भी हमारे पुराने दिन याद दिला दिया आपने, पशु चराते हुए पढ़ाई करना। चलिए गुड, संघर्ष तो ही नहीं रहता है, बस लगे रहो। बी, अच्छे से सोच के उत्तर दो, गलत उत्तर। बना रखा है ऊपर, बनाया मैं एक बार और बना देता हूँ। मुझे तो राजस्थान का मैं तो आप अपनी दीवार पर लगा दीजिए, और अभी थोड़े दिन रुकिए है ना, थोड़े दिन बाद लगाना, नया एडिशन के साथ कार्तिक समय आ जाए उसके बाद लगाना। ये वाला भाग किसका है? डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये वाला भाग किस एस एच डब्ल्यू, देन ये वाला भाग किसका है? ए डब्ल्यू और मध्य में कैपिटल का, बाकी डब्ल्यू। चलिए देख लो, कर चुरू ये तो बी एस एच डब्ल्यू के हैं, बाड़मेर जालोर यस आएंगे, बी डब्ल्यू यस, जैसलमेर इसी में आएगा, पश्चिम में इसी में आएगा, अरावली का दक्षिण यस ये दक्षिण भाग यहाँ पर रह गया, और पूर्वी यस ये पूर्वी भाग यहाँ रह गया। अब बात समझ में है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, क्लियर? चलिए गुड, बना के रखने चाहिए, बनाओ इनको अच्छे से। बीकानेर शहर किस प्रकार का जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? इस उत्तर को जल्दी से दो, अभी बनाया था जस्ट, बीकानेर। गुड, बना के मैप बनाओ, जितने मैप बनाओगे उतनी अच्छी ज्योग्राफी होती है, बात की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जल्दी से उत्तर दो। क्लास को लाइक तो करना ही है, लाइक्स भेजते रहोगे तो ऊर्जा मिलती रहेगी। ओके, बी एस एच डब्ल्यू बीकानेर शहर या बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, चलो फिफ्टी फिफ्टी उड़ा देते हैं, दो तो उड़ा ही देते हैं। अब बताओ दो में या तो चार या दो, अच्छी तरीके से। बीकानेर शहर की बात कर रहे हैं, बीकानेर शहर कौन से जलवायु को प्रतिनिधित्व करता है? दो ऑप्शन है, फिफ्टी फिफ्टी कर दिया मैंने। अर्ध शुष्क राइट करेंगे आप या शुष्कतम राइट करेंगे आप, ये जल्दी से बताइए, उत्तर पर आएंगे। ओके जल्दी से कमेंट्स बढ़ा दो फटाफट। डी डी, सभी लोग फाइनल डी, क्या बात है यार, इंटेंट हो गए अब तो। गुड, बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला जिला जैसलमेर, नगर जैसलमेर, अब तो नया जिला फलोदी, बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला जिला बीकानेर, बेस्ट है ये तीनों। इसके साथ आप जा सकते हैं बेस्ट नागौर, जोधपुर बेस्ट एग्जाम्पल है। ए डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला बेस्ट जिला बांसवाड़ा, और बेस्ट झालावाड़, और इनके पड़ोसी ले सकते। डब्ल्यू जी को तो अपनी राजधानी ले लो, जयपुर बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, राइट? चलें बढ़ेंगे। ए, अगला प्रश्न,
सुमिलित कीजिए, बहुत सारे प्रश्न आते हैं और जल्दी से आप सुमिलित कर दीजिए, पढ़ते हैं। जल्दी से उत्तर, जैसे पिछले प्रश्न के उत्तर में स्पीड आई वैसे उत्तर दीजिए जल्दी से। और कोपेन का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कौन थ्रेड का वर्गीकरण वो भी इंपॉर्टेंट। सूरतगढ़, यस सूरतगढ़ आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अब उत्तर दीजिए। ए डब्ल्यू, डी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप जल्दी से सुमिलित कीजिए। सारे बैच स्टार्ट हो गए हैं, आज ही पहली क्लास स्टार्ट हुई, तो जो आपके नंबर दे रखे हैं मोबाइल नंबर, वो आपको पूरी डिटेल जानकारी दे देंगे। सारे क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला बैच भी स्टार्ट हो गया है, कोडेड बैच भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है, तो आप देख लीजिएगा और अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं उन पर बात कर लीजिएगा, बता देंगे आपको सारी जानकारी। 17 में 1342 1422 थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है कहीं टी, ओके। ए डब्ल्यू, क्या मैं बांसड़ा राइट कर सकता हूँ? पी एस एच डब्ल्यू, ओके। क्या मैं क्या राइट कर सकता हूँ? पी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, क्या गंगानगर राइट कर सकते हैं? डब्ल्यू जी, क्या धौलपुर राइट कर सकते? देख लो कितनी बार बनाएंगे, यहाँ बनाया, ये देख लो, ये श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद इधर आओगे अनूपगढ़, इधर आओगे बीकानेर, इधर आओगे जैसलमेर, राइट ना? कुछ विद्वान इसको यहीं पर ले लेते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ को अर्ध शुष्क जलवायु बता देते हैं, और कुछ गलत बात, एब्सोल्यूट श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हलोदी और जैसलमेर डब्ल्यू एच डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने। चलिए अब आ जाइए अपना विरोध जहाँ था, राइट। अब बताइए क्या राइट करें? 1 4 2 3 1 4 2 3, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 3, सही है, बड़े आगे। चलिए गुड। हाँ जी, ऑनलाइन कोर्स भी है, बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स है, जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उनसे बात कर लीजिएगा, कौन सा कोर्स है आपका, सारे कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सुमिलित नहीं है के कौन थ्रेड का वर्गीकरण है? ए टी ए डैश डी, जलवायु प्रदेश राजस्थान, डी राजस्थान, टी ए डब्ल्यू जल मध्य राजस्थान, सी ए बना लेते हैं। क्या प्रश्न करण में आप उत्तर दीजिए, प्रश्न सिंपल नहीं है, काम में आए हो क्या और आने की संभावना रखते हो, उन प्रश्नों के साथ क्लास चलाएंगे। ये जो सूचकांक होते हैं, सबसे कम वर्षा शुष्कतम प्रदेश यहां पर इन्होंने रखा था, यहां की बारिश 10 सेंटीमीटर कम, गर्म मरुस्थल, यहां की वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम लेकिन 25 सेंटीमीटर से अधिक, यहां होगा डी के साथ उच्च तापमान, ए डैश विंटर इज एरिड, मध्य तापमान, मध्य तापमान उपोष्ण कटिबंध, विंटर इज एरिड, ओके। 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, उपाद्र जलवायु, उच्च तापमान, विंटर इज एरिड, ये क्लासिफिकेशन है, ओके। आपसे पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है, देख लो ये पश्चिमी राजस्थान में आएगा, राजस्थान में नहीं आएगा, सही उत्तर क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास, कौन से वर्गीकरण के अनुसार निम्न से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को रिप्रेजेंट करता है? जल्दी से उत्तर दो, अभी समझाया मैंने, जल्दी से, जल्दी थोड़ा स्पीड रखना है, एक प्रश्न और है फिर हमारी क्लास, जल्दी से उत्तर दीजिए। एक अगला प्रश्न,
नेक्स्ट नंबर डालिए दक्षिण में, दक्षिण से कहाँ से, ऐसे नहीं लगता होते हैं आधार पर होती है पर देख लो करेक्ट डब्ल्यू है राइट पढ़े पक्का देख लो अभी यस ये पूरा सी डब्ल्यू और ये सी ऐसे रटना नहीं है ना इनके संकेत हैं और एक बार संकेत समझ लोगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी यस सर होगा हमारे पास पाद्र ए डैश तापमान स्मॉल डब्ल्यू विंटर इज एरिड थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए आप हमसे जुड़े हो और रियल में अगर आपको क्लास सच में अच्छी लगती हो और वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है ज्ञानवर्धक है क्लास को शेयर जरूर से सर हाँ ये माइक कल से नहीं लाएंगे हम पक्का आज ही मैं इनको मना कर दूंगा मेरे लिए माइक चेंज कर दो सभी के लिए चेंज कर ओके आपको कुछ ध्यान उत्पन्न हो आपकी मांग देख भी रहे हमको आप सभी लोगों को थैंक यू अच्छे से पढ़िए खुश रहिए मस्त रहिए कल मिलते हैं वापस और जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल नहीं कर रहे हैं बेल आइकन का बटन भी दबाना ताकि आने वाली क्लास को लाइक जरूर से करना है और दोस्तों शेयर कीजिएगा मिलते हैं कल।